हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बी एच यू की सो आई आई टी बी एच यू की तरफ से फॉर्म्स इन्वाइट किए गए हैं पी एच डी के लिए बाकी कोर्सेज़ के लिए भी तो इस वीडियो में हम पी एच डी की बात करेंगे आपको और किसी कोर्स में इंटरेस्ट हो तो आप वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको आई आई टी बी एच यू डॉट ए सी डॉट इन पर विज़िट करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट है ऑल्सो इसे बी एच यू के साथ कंफ्यूज मत करिएगा आई आई टी बी एच यू ऑफकोर्स आई आई टी है एंड जो बी एच यू है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो आई आई टी नहीं है तो कैंपस आई थिंक साथ में ही है जैसे आपने देखा होगा आई टी रूड गन आई एच का है बट हाँ दोनों डिफरेंट है ठीक है तो अभी जो फॉर्म्स आए वो आई आई टी के आए हुए हैं सो so, जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगी तो स्क्रॉल करिएगा देन अलर्ट्स का सेक्शन है इसमें आपको फिफ्टीन मार्च डेटेड दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एडमिशन टू एम टेक एम फॉर्म पी एच डी एंड यहाँ पे ओपन नाउ का है ऑप्शन जब इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा एंड यस इसमें आप डेट देख सकते हैं सबसे पहले दैट लास्ट डेट इज़ सिक्स ऑफ अप्रैल 2023 शाम पाँच बजे तक यू कैन अप्लाई देन यहाँ लिंक्स हैं तो पुराना यू जो है वो वर्क नहीं करता तो अभी आप इस पर्टिकुलर यू आर पर विजिट कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं तो उस पोर्टल पर विजिट कर पाएंगे दैन फी रिफ़ंड एंड बाकी सारे जो प्रोसेस है रिफंड का वो भी यहाँ पर बताया गया है तो चलिए ओपन करते हैं नेक्स्ट पोर्टल सो so यस yes, ये है पोर्टल पी जी एडमिशन डॉट आई टी बी एच यू डॉट ए सी डॉट इन एंड आप यहाँ पर बाकी इन्फॉर्मेशनस को देख पाएंगे सो so, सबसे पहले डेट सी है देन इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं सबसे पहली बात कि ऑनलाइन ही अप्लाई करना है नेक्स्ट यहाँ इंफॉमेशन ब्रोशर का लिंक है इंस्ट्रक्शन का लिंक है आप इसे देख सकते हैं कोई भी इशू है तो आप इस आई डी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट जो भी होती है टाइम टू टाइम वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं फिलहाल यही है कि पोर्टल एक्टिव है सिक्सथ अप्रैल लास्ट डेट है देन रजिस्ट्रेशन करना होगा तो रजिस्टर का ऑप्शन है फिर रजिस्ट्रेशन के बाद वापस लॉग इन करना होगा तो ये ऑप्शन है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं स्टेप वाइज बताया गया है आपको कैसे कैसे क्या क्या, क्या करना है रजिस्टर्ड इन लॉग इन प्रोग्राम सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो स्टेप ओवरऑल फोर्टीन है एंड आपको वन बाई वन फॉलो करना है एंड देन आप अप्लाई कर पाएंगे फिर इंपॉर्टेंट नोट में कुछ पॉइंट्स हैं तो जो रेलिवेंट नहीं है आपके लिए उन फील्ड्स में एन ए मैंशन में कर दीजिएगा जैसे मैंडेटरी है बट आपके लिए नहीं है वो तो आप सिंपली एन ए लिख सकते हैं या फिर एन आई एल लिख सकते हैं जिसके लिए आपके पास डेटा नहीं सो so, इलिवेंट है तो एन आई और डेटा नहीं है अभी तो एन आई एल ओके देन यस सेव करते रहेगा एंट्रीज एंड फिर यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर हर स्टेप को तो आप अप्लाई करने से पहले प्लीज इसको देख लीजिएगा एंड येस yes, तो ये वही सारी इन्फॉर्मेशन है अब हम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ओपन करते हैं देखते हैं सब्जेक्ट्स एंड बाकी इन्फॉमेशन सो so येस yes, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर सबसे पहले ओवरव्यू है ऐसे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स एक्चुअली आई टी बी एच यू एंड सेम ही है ठीक है मोर और लेस चीज़ें बिल्कुल सेम है जो हमने लास्ट जो भी प्रीवियस आपके नोटिफिकेशन थे उसमें डिस्कस किया था तो आई टी बी एच यू एंड आई टी गुवाहाटी के कुछ जॉइंट पी एच डी प्रोग्राम्स भी चलते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन एनेक्स्योर टू टेबल टू बी सब कैटेगरी और सब सेक्शन बी में आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट एनेक्श्योर वन एंड टू है तो उसमें आप डिस देख पाएंगे अभी हम इसे देखेंगे ओके तो यहाँ पे सबसे पहले एम टेक एम फॉर्म की इंफॉर्मेशन है इसके बाद आपको पी की इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से ठीक है सो so, सबसे पहली कैटेगरी है फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी एंड इसमें भी देखिए बार बार टेबल टे 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 एंड एन, एन, एन एक का जिक्र है तो हम आगे देखेंगे एक्चुअली टेबल में ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है बट हाँ अगर आप पी एच डी इंजीनियरिंग में के डिपार्टमेंट्स में करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ या फिर बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ या अगर आपके पास टू ईयर्स का या उससे ज़्यादा का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड है रिक्वायरमेंट है सेवेंटी परसेंट की एंड इसके लिए लिखा वेट सॉरी सो बेसिकली सेवेंटी परसेंट रिक्वायर्ड होंगे फाइव परसेंट का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपने वर्किंग uh, एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आप पे ठीक है एंड ऑल्सो अगर आपने आ, मास्टर्स जैसे एम एस सी आप इंजीनियरिंग फील्ड्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बैचलर्स में सिक्सटी परसेंट मास्टर्स में सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे दिन पी एच फार्मेसी में करना चाहते हैं तो सिक्सटी परसेंट अगेन सो मास्टर्स सिक्सटी परसेंट रिक्वायर्ड है बैचलर्स का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है बट मोस्टली वही है बैचलर्स के बाद डायरेक्टली अप्लाई करें तो सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स ठीक है इसी तरह साइंसेस अगेन सिक्सटी परसेंट एंड ह्यूमैनिस्टिक में यहाँ पे सिक्सटी ही रिक्वायर्ड है तो यूजअली कम होता है बट यहाँ पे सेम है मास्टर्स डिग्री सिक्सटी मार्क्स सिक्स सीजीपी सीजी सीपीआई के साथ है तो आप एलिजिबल हैं ओके सो यस इसी तरह से इंटर डिसिप्लिनरी भी हैं सिस्टम्स इंजीनियरिंग में है देन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देखिए अगर फुल टाइम रेगुलर जो रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है उसमें होगा तो हाँ आपको फेलोशिप मिलेगी बट हाँ गेट या जीपैड आपके पास होना चाहिए इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए तो अगर होगा तो यस yes, आपको फेलोशिप मिलेगी नेक्स्ट uh, जैसे बाकी ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ है तो उन सभी सब्जेक्ट्स में गेट या नेट है तो भी आप एलिजिबल हैं देखिए जे आर एफ नहीं इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी के लिए सिर्फ नेट या गेट है तो आप एलिजिबल होंगे ठीक है एंड येस बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट एल एस स्टूडेंट जो भी हैं आपके पास सी पी आई सेवन होना चाहिए ओके तो यहाँ पे लिखा है अगर सिर्फ नेट एल एस है एंड आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप चाहिए तो उस केस में जो मार्क्स हैं यूजअली क्राइटेरिया सिक्सटी परसेंट का है बट आपके मार्क्स सेवेंटी परसेंट या सी ई सेवन होना चाहिए ठीक है सो येस इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स हैं इन सभी को देख लीजिएगा एंड जो फेलोशिप है वो थर्टी वन थाउजेंड पर मंथ है प्लस एच आर एंड एवरी थिंग सो यस अगेन टेबल की बात की गई है तो भी हम टेबल टेबल देखेंगे सो so, यहाँ पे बाकी नेशनल लेवल स्कॉलरशिप्स की बात है फिर ज्यू आई पी प्रोग्राम की बात है फिर फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी तो एक्सटर्नली अगर आप किसी और और, आर एन डी आर एंड डी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं और आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है देन फुल टाइम स्पॉन्सर तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सर करेगा एंड आप फुल टाइम पी एच डी यहाँ से करेंगे पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं उसके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कोई इश्यू है ना तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में बाकी जो भी कैटेगरीज है उनसे रिलेटेड भी नेक्स्ट यहाँ पे स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंडर कुछ आर की तरफ से सीट्स हैं तो उनके लिए आप आयुर्वेद से रिलेटेड बेसिकली तो येस yes, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं फिर यहाँ पे लिखा है एम टीएच के जो भी ऑफिशियल्स हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर तो वो भी चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं नेक्स्ट सेलेक्शन क्राइटेरिया तो देखिए आप पी एच में यहाँ पे लिखा है रिटर्न होगा या ऑनलाइन इंटरव्यू ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो रिटर्न होगा एंड इंटरव्यू भी होगा एक भी हो सकता है दोनों भी हो सकता है आपको बाद में पता चलेगा नाउ किनका किनका रिटर्न नहीं होगा तो ये देखिए जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी है उसका होगा बाकी यहाँ पे देखिए सारी कैटेगरीज हैं आप एग्जेम्टेड हैं आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाएंगे ऑल्सो अगर आप आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है तो अगर आप आई आई से हैं क्वालिफाइंग डिग्री आपकी एट सी पे है तो येस yes, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आई मीन डायरेक्टली इन द सेंस रिटर्न से आप एक्जटेड होंगे ठीक है तो येस इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिजर्वेशन से रिलेटेड रूल्स हैं फिर फॉरन नेशनल्स के लिए कुछ पॉइंट्स हैं नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एनेक्श्योर वन आई मीन एनेक्श्योर्स ठीक है वन बाई वन सारे इंपॉर्टेंट है तो एनेक्श्योर वन में एम टेक फॉर्म है देन यहाँ पे पी एच डी में देखने को मिलेगा सो नाओ एनेक्शो टू डिसिन डिपार्टमेंट एंड जो भी अलाइड डिसिप्लिन वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो भी देख सकते हैं कि मेन डिसिप्लिन के अलाइड कौन कौन से हैं अगर ये भी डिग्री है तो येस यू कैन अप्लाई सो आर्किटेक्चर प्लानिंग इज देर देन इसमें सिविल के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट हम डिपार्टमेंट देखेंगे प्लीज आप अलाइट डिसिप्लिन एंड इन सभी इन्फॉर्मेशन को देख लीजिएगा नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो अवेलेबल है वो है सिरेमिक इंजीनियरिंग बट uh, हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि सीट्स इन सब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप ओके बट यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंटशिप कैटेगरी है तो एनीवे anyway, में पहले हम इसे देख लेते हैं उसके बाद हम सीट्स देख आई मीन सीट्स नहीं सब्जेक्ट्स देख लेंगे ओवरऑल ठीक है आई थिंक मोर ऑल लेस सेम ही है जैसे आर्किटेक्चर प्लानिंग डिज़ाइन है इसमें टोटल सिक्स जो सीट्स हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में है फेलोशिप कैटेगरी बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए सीट्स अलग हैं ठीक है ठीके? यहाँ पे सिर्फ फेलोशिप कैटेगरी की सीट्स बताई गई हैं देन बयो कैमिकल बायोमेडिकल सिरेमिक, ओके तो बायो कैमिकल सेवेन बायोमेडिकल नाइन सिरेमिक इलेवन केमिकल इंजीनियरिंग नाइन्टीन केमिस्ट्री थर्टीन सिविल इंजीनियरिंग ट्वेंटी टू सी एस सी सैवटी इलेक्ट्रिकल फिफ्टीन इलेक्ट्रॉनिक्स सेवेंटीन एच एस एस ओवरऑल सेवेन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट फोर मटीरियल साइंस सेवेन्थ्स और मैथमेटिकल साइंसिस नाइन मकैनिकल ट्वेंटी फाइव मेटोलॉजिकल ट्वेल्व माइनिंग एलेवन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग थ्री फिज़िक्स फिफ्टीन सिस्टम्स इंजीनियरिंग वन सो टोटल टू थर्टी फेलोशिप सीट्स हैं नोट के पॉइंट्स को देख लीजिएगा ओके okay. एंड uh, यहाँ पे एक बार हम डिपार्टमेंट्स दिप, भी देख लेते हैं वैसे आई थिंक सेम है सो so, ओवरऑल जिनके लिए आप अलग अलग कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं उनमें सबसे पहले यहाँ पर वेट um, यहाँ पे देखते हैं हम येस तो सबसे पहले है आर्किटेक्चर प्लानिंग डिज़ाइन देन सिरामिक इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग आफ्टर दैट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देन इलेक्ट्रिकल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड सिस्टम्स दोनों है देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट मेटोलॉजिकल इंजीनियरिंग देन माइनिंग फार्मेसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिकल साइंसेज बायो केमिकल इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मटीरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स के सभी डिसप्पलिनस के रिसर्च एरियाज हैं तो आपका जो भी डिसप्लिन है उसमें जो भी एरिया अवेलेबल है प्लीज़ देख लीजिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है देन कुछ प्रोजेक्ट भी हैं जैसा मैंने बताया जॉइंट पी एच डी विद आर टी गुवाहाटी तो यहाँ पर वो सी एस ई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मटीरियल्स में अवेलेबल हैं ओके सो यस ये थी कुछ इंफॉर्मेशन बाकी आर एन डी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिकॉगनाइज हैं अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो आप एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं ओके सो दैट इज़ इट फॉर टू ये और ये इन्फॉर्मेशन थी जो लिंक्स हैं रिक्वायर्ड वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड प्लीज शेयर दो वीडियो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो